मार्वल के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो कि किसी को नहीं पता। जैसे मार्वल की ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें अभी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, मार्वल का हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, और मार्वल के ऐसे रूल्स जो कि तुम्हें माननी पड़ेंगे। और इन सब के अलावा मार्वल का पहला सुपर हीरो कौन है। नंबर 10, आज के टाइम पे मार्वल की हर एक मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, लेकिन मार्वल का सबसे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सी मूवी में था? वेल, वो था एक्समैन लास्ट स्टैंड, जिसमें पहली बार पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था। और तब से लेके अब तक मार्वल की सभी मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, लेकिन एवेंजर्स एंडगेम एक ऐसी मूवी है जिसमें एक भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। नंबर 9, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी आयरन मैन है, और मार्वल को इस मूवी से उतना खास उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम आयरन मैन उतना पॉपुलर कैरेक्टर भी नहीं था, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी उस टाइम हॉलीवुड के छोटे मोटे एक्टर थे। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो फैंस को काफी अच्छा लगा, और फिर मार्वल ने इसी मूवी का सहारा लेकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस है। नंबर 8, डीसी के कांड तो हर जगह फेमस है कि इन्होंने एक्टर के साथ ये किया, डायरेक्टर को निकाल दिया, लेकिन मार्वल के साथ भी ऐसे कांड हुए हैं। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 का जो डायरेक्टर था, उनका आइडिया डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को लेकर एकदम ही अलग था, और मार्वल को ये अच्छा नहीं लगा, दोनों ने इनको निकाल दिया। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन के ट्विटर कंट्रोवर्सी के कारण मार्वल ने इन्हें भी निकाल दिया था। लेकिन जब वो डीसी में चले गए तो मार्वल ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए इन्हें वापस से बुला लिया। अब आए ना लाइन पे। तो हाँ, मार्वल में भी ऐसे कांड हुए हैं। नंबर 7, एमसीयू में कौन से कैरेक्टर का सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम है, मतलब कि कौन से सुपर हीरो को सबसे ज्यादा दिखाया गया है, क्या लगता है कौन होगा? वेल, वो है टोनी स्टार्क, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनका एमसीयू में स्क्रीन टाइम 370 मिनट का है, यानी कि एमसीयू में आयरन मैन को सबसे ज्यादा दिखाया गया है। नंबर 6, मार्वल के जितने भी एक्टर हैं उनको मूवी का पूरा स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये मूवी स्पॉइल ना कर दे। और मार्क रुफालो यानी कि हल्क ने थॉर रैग्नारोक के प्रीमियर के टाइम पे इस मूवी का 15 मिनट को कर दिया था, क्योंकि उस टाइम वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव थे और मूवी स्टार्ट होते ही वो उस लाइव को ऑफ करना भूल गए। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने भी ऐसे कई सारे इंटरव्यू में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवी का बेसिक प्लॉट को स्पॉइल कर दिया था, तभी से मार्वल किसी भी एक्टर को मूवी का पूरा स्क्रिप्ट नहीं देता। नंबर 5, मार्वल के जितने भी एक्टर किसी बड़े सुपर हीरो को प्ले करते हैं उनको मार्वल के कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे उनको एक साथ कई मूवीज के लिए साइन करना होगा, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी मूवी में कैमियो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा तुम डीसी की मूवी नहीं कर सकते, मतलब कि अगर कोई एक्टर मार्वल में किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को प्ले कर रहा है तो वो डीसी या किसी अदर सुपर हीरो मूवी नहीं कर सकता। इसके अलावा एक रूल ये भी है कि मार्वल डिज्नी के अंडर आता है और डिज्नी फैमिली फ्रेंडली है, तो उनके एक्टर्स को भी अच्छे से रहना होगा और किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहना होगा। नंबर 4, मार्वल में तुमने तो कई सारे एक्टर्स को देखा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्वल का हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, मतलब कि वो कौन सा एक्टर है जिसको मार्वल से सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं? वेल, वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जिनको एवेंजर्स एंडगेम के लिए लगभग 75 मिलियन डॉलर दिया गया था। नंबर 3, अभी के टाइम पे मार्वल के पास हजारों सुपर हीरो हैं और तुम्हें उनका नाम भी पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्वल का पहला सुपर हीरो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है, जिसको तुमने फैंटास्टिक फोर में देखा होगा। नंबर 2, स्पाइडरमैन का सबसे पॉपुलर विलन ये मार्वल ने नहीं बनाया था, ये किसी फैन ने बनाया था, लेकिन मार्वल ने जब उस कैरेक्टर को देखा तो उसको वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, फिर क्या मार्वल ने उस फैन से $220 में वेनम को खरीद लिया। नंबर 1, अभी के टाइम पे मार्वल का पेज 5 चल रहा है, मतलब कि इससे पहले 4 पेज आ चुकी हैं, और पेज 4 मार्वल के लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि इसमें कुछ मूवी और सीरीज ऐसे भी थे जो कि फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर लव एंड थंडर, मिस मार्वल और सी हल्क जैसे के कारण ये पेज और भी काफी बुरा हो गया। ये भी मेरी गलती है। इसके अलावा पेज 5 की स्टार्टिंग एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ हुआ था, लेकिन ये मूवी भी फैंस को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और अभी हाल ही में ये भी न्यूज आया था कि मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को आगे ढकेल दिया है। तो हाँ, अभी के टाइम भी एमसीयू का हाल उतना अच्छा नहीं है। तो ये था मार्वल के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो कि अब तुम्हें पता लग गया होगा। वैसे इनके अलावा तुम कौन से सुपर हीरो या किसी मूवी का सीक्रेट जानना चाहते हो ये कमेंट में बता देना, अगली वीडियो उसी पे आएगी। लेकिन अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन, गुड बाय।